अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक मनी प्लांट। सर्दियां स्टार्ट हो गई है और इस मौसम में मनी प्लांट के पौधे के जो पत्ते होते हैं ये पीले होकर गिरना शुरू कर देते हैं। मनी प्लांट अपने ग्रोथ को रोक देता है और इसके पत्ते खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। मनी प्लांट के पत्ते इंतहाई डल हो जाते हैं और शाइनिंग भी खत्म हो जाती है। मनी प्लांट के पौधों की अक्टूबर के महीने के बाद से कटिंग बंद कर दी जाती है। अक्टूबर के महीने से लेकर जनवरी तक आप अपने मनी प्लांट के पौधे की कटिंग हरगिज़ मत करें, क्योंकि ये जो सीजन शुरू होने वाला है इसमें मनी प्लांट डोमेस्टिक या कैफेट में चला जाता है और कभी भी इसकी ग्रोथ बढ़ नहीं पाती। चाहे आप इसको पानी में लगा के रखेंगे या फिर आप मट्टी में लगा के रखेंगे, तब भी ये ग्रोथ को नहीं बढ़ाएगा, इसकी रूटिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो आपके पास मनी प्लांट पहले से लगा हुआ है, आपने इसको सर्दियों में कैसे हरा भरा रखना है। तो हमारे पास जो मनी प्लांट है इसको हम सर्दियों में कैसे हरा भरा रखेंगे, ताकि पूरी सर्दियों में ही ये बहुत सरसब्ज और शादाब, हरा भरा, चमकीला और खूबसूरत लगे। मनी प्लांट के पत्तों को जब साफ किया जाता है तो बहुत ज्यादा शाइनिंग देते हैं और शाइनिंग वाला मनी प्लांट इंतहाई खूबसूरत लगता है। तो इसके लिए आज मैं आपको एक लिक्विड खाद बताऊंगी, एक ऐसी लिक्विड खाद जो कि अगर आप सर्दियों के मौसम में अपने मनी प्लांट के पौधे में डालते हैं तो ना सिर्फ आपका मनी प्लांट बहुत ज्यादा शाइनिंग हो जाएगा, इसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा हरा भरा भी हो जाएगा। तो मनी प्लांट सर्दियों के मौसम में भी बिल्कुल ऐसे ही लुक देगा जैसा कि ये गर्मियों के मौसम में देता है। तो सर्दी के मौसम में मनी प्लांट के लिए आबोहवा कैसी होनी चाहिए, इसके लिए बेस्ट लिक्विड खाद कौन सी होगी, आपने इसको कौन सी जगह पे रखना है। अगर आप अपने मनी प्लांट को हरा भरा, सरसब्ज और शादाब रखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सर्दियों के मौसम में आप मनी प्लांट के पौधे को बाहर धूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं टेम्परेचर बहुत कम होता है। इसलिए सर्दियों के मौसम में मनी प्लांट को अगर आप धूप में रखते हैं तब इसमें कोई खर्च नहीं होता है, मनी प्लांट खराब नहीं होता और ना ही इसके पत्ते बर्न होते हैं। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसको अपने घर के अंदर रखें, तो घर के अंदर रखने के लिए आप अपने मनी प्लांट को वॉशरूम में रखिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि वॉशरूम में ये क्यों रखा जाता है और वॉशरूम में इसके बेनिफिट क्या होंगे। सबसे पहले इसको वॉशरूम में क्यों रखा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सर्दी के महीने में जैसे ही शावर लिया जाता है तो अमूमन गर्म पानी ही यूज किया जाता है, और जो गर्म पानी होता है इससे वॉशरूम में भाप पैदा हो जाती है और जो भाप होती है ये आपके बाथरूम की हवा को नम कर देती है और नम आबोहवा मनी प्लांट के पौधे को बेइंतहा पसंद होती है। मनी प्लांट के पौधे को आप जितने नम आबोहवा में रखेंगे ये उतना ही ज्यादा दिलकश, खूबसूरत, हरा भरा और अपनी ग्रोथ को बढ़ाने वाला पौधा बन जाता है। तो एक तो ऐसा होगा कि आपके बाथरूम से मनी प्लांट के पौधे को बहुत अच्छी आबोहवा मिलेगी, और इसके साथ साथ आपको मनी प्लांट से क्या बेनिफिट हासिल होगा, मनी प्लांट चूंकि 24 घंटे ऑक्सीजन खारिज करने वाला पौधा है इसलिए आपको अपने वॉशरूम में 24 घंटे फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी। इसके साथ साथ वॉशरूम में जितने भी जहरीले मादे होते हैं ये उनको भी जज़्ब करने की सलाहियत रखता है। तो आपके वॉशरूम की आबोहवा न सिर्फ साफ हो जाएगी बल्कि इसमें किसी किस्म के कोई जहरीले मादे भी नहीं रहेंगे और आपका वॉशरूम एकदम फ्रेश ऑक्सीजन से भर जाएगा। आप आउटडोर में रखना चाहते हैं तो आप ऐसी जगह पर रखें जहां पर दिन की 2 से 3 घंटे की सनलाइट इसको मिले। सर्दी के मौसम में भी मनी प्लांट हरा भरा और खूबसूरत रहेगा। मनी प्लांट घर के लिए खुशकिस्मत पौधा भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जितनी ज्यादा मनी प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है उतना ही ज्यादा घर के लिए ये बाबरकत पौधा साबित होता है। तो मनी प्लांट के पौधे को आप अपने घर में जरूर लगाइए। ये झाड़ीदार पौधा है, बहुत खूबसूरती के साथ बढ़ता है और घर में खूबसूरती के साथ साथ आपके घर में बाई से बरकत भी बनता है और आपको फ्रेश ऑक्सीजन भी देता है। अब हम बात करेंगे इसकी खाद के बारे में। खाद के लिए आपने ऐसा करना है कि आपने देनी है ये लिक्विड खाद। ये एक ऐसी खाद है जो कि आप हर 15 दिन के बाद अपने मनी प्लांट के पौधे में लाजमी डालिएगा। तो यकीन जानिए कि आपका पौधा इंतहाई जबरदस्त लगेगा और इसके पत्तों का साइज भी इंक्रीज होगा। तो इसके लिए आपने ये खाद कैसे तैयार करनी है, इसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने लेनी है प्याज के छिलके। प्याज के छिलके लेने के बाद आपने ऐसा करना है कि आपने लेना है 2 गिलास पानी, उसमें आप 3 से 4 प्याज के छिलके डाल दीजिए और फिर फुल नाइट के लिए आप इसको ढांक कर किसी भी ठंडी, खुश्क और हवादार जगह पे रख दीजिए। नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे ऑनियन पील फर्टिलाइजर आपके पास एकदम रेडी होगा और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत होगा। अब आपने ऐसा करना है कि आपने इसको छान लेना है। हमें इसका लिक्विड चाहिए, जो ऑनियन के पील्स होंगे ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ऑनियन पील्स में जितने भी एलिमेंट्स थे वो पूरी रात में पानी में अच्छे तरीके से डीकम्पोज हो चुके हैं। तो अब आपने ऐसा करना है कि आपने ये पानी सिर्फ अपने पौधे में नहीं डालना है बल्कि
आपने इसमें दो चीजें और ऐड करनी है और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये दो चीजें बहुत आम है जो कि वुमन हर घर में पाई जाती है। जी हाँ, आप इसमें डालेंगे आधी चम्मच कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर जो कि सर्दियों में यूज होता है और घरों में कॉफी पी जाती है, तो आपने आधी चम्मच कॉफी पाउडर का इसमें डाल देना है और फिर आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप इसमें एक और चीज शामिल करेंगे और वो है चाय पत्ती। चाय पत्ती जो कि हम घर में चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपने वो वाली चाय पत्ती इस्तेमाल करनी है। आप चाहे तो आप फ्रेश चाय की पत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपके पास धुली हुई चाय पत्ती है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। धुली हुई चाय पत्ती वो होती है कि जब हम अपने घर में चाय बनाते हैं जो पत्ती बच जाती है उसको 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से वॉश कर लिया जाता है। वॉश कर लेने के बाद इसको धूप में हुश कर लिया जाता है और फिर इसको आप जार में डाल दें तो ये पत्ती आपके पौधों के लिए जबरदस्त फर्टिलाइजर का काम करती है। तो आपने ऐसा करना है कि आप चाहें तो इसमें धुली हुई चाय पत्ती इस्तेमाल करें और अगर आपके पास फ्रेश पत्ती है तो आप फ्रेश पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आधी चम्मच चाय पत्ती इसमें डाल दीजिए। मिक्स कर लेने के बाद अब आपने इसको डायरेक्ट पौधे में इस्तेमाल नहीं करना बल्कि आपने 2 से 3 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है ताकि कॉफी पाउडर और जो पत्ती है इसके एनिमल्स पानी में अच्छे तरीके से डिकम्पोज हो जाए। 2 से 3 घंटे गुजर जाने के बाद आपने इसको भी छान लेना है क्योंकि हमें जो चाय पत्ती है वो नहीं चाहिए बल्कि इसका जो असर होगा वो पानी में आ चुका होगा। अब आपके पास ये जो खाद आई है ये पौधे के लिए जबरदस्त खाद है। अब आपने डायरेक्ट इसको भी पौधे में नहीं डालना बल्कि आपने पहले इसके डाइल्यूट करना है। इसके लिए आपने लेने हैं 1 लीटर पानी और 1 लीटर पानी लेने के बाद ये जो खाद तैयार हुई है ये आपने उस 1 लीटर पानी में डाल देनी है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद अब आपके पास ये खाद पौधे में डालने के लिए एकदम तैयार है। इसको आप डालेंगे कैसे? इसको आपने उस टाइम डालना है जब पौधे को पानी की जरूरत होगी। मनी प्लांट के पौधे को ज्यादा पानी देंगे तो इसके पत्ते बहुत छोटे साइज में आएंगे। अगर आप इसको उस टाइम पानी डालते हैं जब इसकी 1 से 1.5 इंच के ऊपर की मिट्टी हल्की खुश्क हो जाती है तो ना सिर्फ इससे पौधे के पत्ते जो है वो बड़े साइज में होते हैं बल्कि इसके साथ साथ पौधा बहुत अच्छी तरीके से अपनी ग्रोथ को भी डबल करता है। तो फिर आपने ऐसा करना है कि आपने मनी प्लांट के पौधे के गमले के चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी खुदाई कर लेनी है और खुदाई कर लेने के बाद अब आपने ये जो खाद तैयार हुई है अपने मनी प्लांट के पौधे में डाल दीजिए। आपने गमले के हिसाब से खाद डालनी है। बड़े साइज का गमला है तो 1 गिलास डाल दीजिए, छोटे साइज का गमला है तो आप 1/2 गिलास डाल दीजिए और ये खाद आपने दोबारा 15 दिन के बाद रिपीट करनी है। हर 15 दिन के बाद सर्दियों के मौसम में आप ये खाद अपने पौधे में लाजमी डालिए तो इससे ना सिर्फ आपका पौधा हरा भरा खूबसूरत लश ग्रीन रहेगा बल्कि आपके पौधे के पत्ते खुश्क होकर भी नहीं गिरेंगे और पौधा ड्राई नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का विजिट कीजिए। मनी प्लांट से रिलेटेड मैंने बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको वो भी पसंद आएंगी। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे ऑल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।